नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज टैन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को लेके। नाउ बहुतों का क्वेश्चन है कि ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में जो HDFC कार्ड का जो बेनिफिट्स हैं वो सब क्या है। तो आज मैं आपको अमेज़न के ऐप में लेके जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि HDFC कार्ड होने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस वेरी रेगुलरली। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय PeakBestsellers.com। आपको अगर सटीक डील्स चाहिए अमेज़न फेस्टिवल्स के बाद भी, तो आप विजिट कीजिए PeakBestsellers.com और दबाइए टुडेज डील्स वाले बटन में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अमेज़न का ऐप। तो अमेज़न का ऐप अगर आप अभी खोलते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। आज 17 अक्टूबर है, तो आज से ही अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो ऑन द टॉप ऑफ द ऐप यू विल सी दिस बैनर। अगर वो बैनर में आप क्लिक करते हैं और टच करते हैं तो आपको ये वाला पेज खुलेगा और वहाँ पे नीचे बीच में आपको यह दिखेगा HDFC बैंक का 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बोल के जो भी है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी टच ऑन दैट। सो दिस इज द फेस्टिव ट्रीट्स फ्रॉम HDFC बैंक। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बहुत सारा लंबा पेज है जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, लेकिन फॉर दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले शुरू होता है, ठीक है, जस्ट वन डे बिफोर द जनरल पीपल। सो 16 से शुरू हो गया था, कल से ही शुरू हो गया था फॉर प्राइम मेंबर्स। मेरा प्राइम अकाउंट है तो मेरे लिए फिर 16 से ही शुरू हो गया था। वो चलेगा 23 अक्टूबर तक, ओके। 7 दिन का ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल रहता है। और यहाँ पे HDFC बैंक ने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिया है फॉर द अमेज़न कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऊपर में कि सेव अप टू 10% अप टू 12,000 रुपीज़ इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस बोनस ऑफर। तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है और कुछ बोनस ऑफर भी हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट में अगर आप 16th और 17th को खरीदते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 1750 रुपीज़ का, ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। अगर आप वही HDFC का डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 1250 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। नाउ डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आपका ऑर्डर वैल्यू मिनिमम 5,000 रुपये का होगा। दैट मीन्स योर कार्ड वैल्यू शुड बी 5,000 रुपीज़ और मोर। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट आपको 5,000 रुपये का खरीदना है या फिर ज़्यादा का खरीदना है, ऐसा नहीं है। आपका कार्ड में जो भी कार्ट में आपने 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स डाले हैं उनका क्यूमुलेटिव प्राइस जो है, जो उनका टोटल प्राइस जो है वो अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो आप इस बेनिफिट को ले सकते हो, ठीक है। अगर वही आप 18th या 19th को खरीदते हो, जैसे कल या परसों खरीदते हो, तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट ऑन क्रेडिट कार्ड वुड बी 1,500 रुपीज़, ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑन डेबिट कार्ड वुड बी 500 रुपीज़। तो जो भी लोग आज खरीद रहे हैं या फिर कल जिन्होंने खरीद लिया उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये जो है वो एक्चुअली 10% मैक्सिमम डिस्काउंट है। दैट मीन्स कि अगर आपको एक 17,500 रुपये वाला कोई सामान खरीदते हो या फिर टोटल आपका कार्ड का वैल्यू 17,500 रुपये होता है तभी आपको 1,750 रुपये मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा होता है आपका कार्ड वैल्यू तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट्स 1,750 रुपये का मिलता है, ठीक है। दैट इज़ फॉर 16th and 17th, दैट इज़ टुडे, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट्स गोइंग टू रिड्यूस, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में 1,500 मिलेगा और डेबिट कार्ड में सिर्फ 500 रुपये मिलेगा। ऑलराइट, नाउ बोनस कैशबैक जो है, बोनस कैशबैक में आपको मिलेगा 1,250 रुपये ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड अगर आप 30,000 से ज़्यादा कुछ खरीदते हो, ठीक है। सिंगल ऑर्डर मतलब आपका कार्ड का जो वैल्यू है वो 30,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा तभी आपको 1,250 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन टॉप ऑफ दिस, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ये इंस्टेंट डिस्काउंट और बोनस में डिफरेंस ये है कि इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो आपके कार्ड वैल्यू में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने 30,000 रुपये का कुछ सामान खरीदा तो आपका कार्ड दिखाएगा 30,000 माइनस 1,750 जो भी अमाउंट होता है वो अमाउंट दिखाएगा आपके कार्ड में, आप उतना पे करोगे। पे करने के बाद आपको आप जो भी पे करो, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है 1,250 रुपीज़ वो आपको अपने अमेज़न पे वॉलेट में मिल जाएगा एज ए कैशबैक, ठीक है। सो दैट्स द टू डिफरेंट थिंग्स, 10% डिस्काउंट और कैशबैक, ठीक है। अगर आप 1,00,000 से ज़्यादा का सामान खरीदते हो इन अ सिंगल ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में आपका अगर
1 लाख से ज्यादा का सामान है तो आपको 6,000 रुपीज क्रेडिट कार्ड में वापस मिल जाएगा। मतलब क्रेडिट कार्ड अगर खरीदते हो, यूज करते हो खरीदने के लिए, तो आपको 6,000 रुपये वापस मिलेगा अपने अमेजन वॉलेट में, जिससे जिसको यूज करके आप कुछ दूसरा सामान खरीद सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज द ओवरऑल बेनिफिट्स। नाउ यहाँ पे थिंग्स टू नो भी लिखा है, जैसे वैलिडिटी सिर्फ 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है, लेकिन इट स्टार्ट 24 आवर्स अर्ली फॉर प्राइम मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपका 5,000 रुपये होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। और यहाँ पे एप्लीकेबल ऑन ऑर्डर्स विद सिंगल और मल्टीपल आइटम्स अमाउंटिंग टू 5,000 मोर, मतलब आपका जो कार्ट का वैल्यू है वो टोटली 5,000 रुपये से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, देन मैक्सिमम सेविंग्स 12,000 रुपये ऑन क्रेडिट कार्ड अगर आप टोटल खरीदते हो तो, विच इंक्लूड्स मैक्सिमम इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 4,750 रुपीज एंड मैक्सिमम कैशबैक ऑफ 7,250 रुपीज। ठीक है, बोनस कैशबैक भी मिलेगा आपको, वो आपके अमेजन अकाउंट में जाएगा जैसे मैंने बताया, विद इन 3 डेज और ऑफ योर ऑर्डर शिपमेंट। जैसे मैंने कल एक वॉशिंग मशीन खरीदा तो उसका जो बोनस कैशबैक था वो इंस्टेंटली मुझे मिल गया, दो तीन घंटे में ही मुझे मिल गया था। सो एप्लीकेबल ऑन HDFC क्रेडिट और डेबिट कार्ड इंक्लूडिंग EMI ऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर आप EMI में भी लेते हो तब भी आपका ये कैशबैक या और ये जो बोनस है उसको आप अवेल कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने सेविंग्स को। अगर आपने 16 और 17 में खरीदा और 17,500 रुपये से ज़्यादा खरीदा तो आपको 1,750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है जैसे जिसको आपको समझ में आएगा कितना आप सेविंग्स कर सकते हो। नाउ दिस इज़ फॉर नेक्स्ट 2 डेज, अगर आपने अगले 2 दिन में फिर से कुछ खरीदा तो आपको इतना सा 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा कुछ आपने खरीदा तो आपको इतना सा सेविंग्स मिलेगा 1,500 रुपीज़ का। ठीक है, इंस्टेंट डिस्काउंट्स, और उसमें बोनस कैशबैक फिर से मिलेगा जो कि 30,000 के ऊपर है 1,250 रुपये और 1 लाख के ऊपर है 6,000 रुपये जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, सो ये है आपका टोटल मैक्सिमम 12,000 रुपये का सेविंग्स और बोनस। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हर एक मोबाइल में मिलेगा आपको, आपके मोबाइल ऐप में ही मिल जाएगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइम मेंबर्स को मिलता है। सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। HDFC कार्ड अगर आपके पास है तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए और आपको वही यूज़ करके जो भी खरीदारी आप करते हो अमेज़न में वही इस बार करना चाहिए। और अगर आपको डील्स के बारे में जानना है अमेज़न के बारे में, अमेज़न में बेस्ट सेलर्स ऑप्शंस कौन से हैं, बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स कौन से हैं, अगर वो सब के बारे में जानना है तो प्लीज़ विजिट www.peakbestsellers.com। उसमें सारा कुछ, सारा बेस्ट सेलर्स जो आइटम्स हैं उसका रिव्यूज़, उसका कंपेरिजन्स, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यूज़ हो रहे हैं HDFC कार्ड का बेनिफिट्स को लेके ये वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कीप शॉपिंग, कीप बाइंग द बेस्ट सेलर्स फ्रॉम peakbestsellers.com। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।